हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं DIT यूनिवर्सिटी 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जी हाँ गाइस, DIT यूनिवर्सिटी 2021 एप्लीकेशन फॉर्म जो है गाइस रिलीज हो चुका है। तो किस तरह से फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर इनकेस और कोई भी नया अपडेट आता है या कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है गाइस, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं DIT यूनिवर्सिटी 2021 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को। तो गाइस, आपको सबसे पहले क्या करना, सिंपली आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करा दी गई, उस लिंक पे क्लिक करना होगा। तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको अपना नाम एंटर कर देना होगा। देन गाइस यहाँ पे आप लोगों को आपके जो ईमेल आईडी आप लोगों को जो यहाँ पे एंटर कर देनी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी एंटर करके बता दी है। उसके बाद गाइस आपके चॉइस का कोई भी एक पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे गाइस आप लोगों को एंटर कर देना है। देन आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेने का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कर्नाटक सेलेक्ट कर लेते हो, या फिर जो भी आपका स्टेट है यहाँ पे वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा। सिटी सेलेक्ट कर लेनी गाइस आप लोगों को यहाँ पे। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपका कोर्स का जो लेवल है वो कोर्स का लेवल आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर लेने का, लाइक फॉर एग्जांपल बीटेक सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और आई एग्री पे क्लिक करके सिंपली आप लोगों को यहाँ पे फिर गेट OTP पे क्लिक करना होगा। अब जैसे आप गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करना होगा और फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। भाई जैसे आप उधर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, OTP एंटर करके, तो आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह से जो है एक मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके जो ईमेल आईडी पे गाइस एक वेरिफिकेशन लिंक भेजी गई है। तो आपको मैं अपना ईमेल आईडी ओपन करके बता दूं, तो आप देख सकते हैं DIT यूनिवर्सिटी, इस तरह से आपको भी गाइस एक मेल आ चुका होगा ऑलरेडी, और आपको सिंपली ये लिंक रहेगी लंबी सी, उस लिंक पर आपको जो है क्लिक कर देना होगा। अब गाइस जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। आप लोगों की जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल आप लोगों की ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, आप लोगों को यहाँ पे बता दिया गया है कि आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया है, यहाँ पे प्रोफाइल है, क्वेरीज है, पेमेंट है और लॉगआउट का ऑप्शन है। तो गाइस यहाँ पे भी आपके जो एप्लीकेशन यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं आपको जिस भी एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है सिंपली वहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना होगा। आप देख सकते हैं DIT एप्लीकेशन फॉर्म के सामने जो अप्लाई नाउ होता है जिसकी फीस है 1250 रुपीज़, उसके सामने आपको अप्लाई नाउ पे सिंपली क्लिक कर देना होगा और आपके सामने गाइस जो एप्लीकेशन फॉर्म है DIT यूनिवर्सिटी का वो ओपन हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं इस तरह से DIT का आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म पूरा ओपन हो जाएगा। टोटल 7 स्टेप्स है इसमें। पहले कोर्स सेलेक्ट करना है, फिर एप्लीकेंट डिटेल्स डालनी है, एड्रेस डालना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है, फिर अपलोड करना है आपको, डिक्लेरेशन फिल करके पेमेंट करना होगा। तो आइए हम यहाँ पे शुरू करते करना। सबसे पहले यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको एडमिशन कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना, ऑल इंडिया, उत्तराखंड स्टेट या हिमालयन। तो यहाँ पे मैं ऑल इंडिया कोटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोग्राम लेवल सेलेक्ट कर लेना, आपको डिप्लोमा में सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पे गाइस, यहाँ पे आपको जो है ACNT यानी कि आपके लिए नहीं, ये ऑफिशियल यूज़ के लिए, आपको इसे सिंपली ब्लैंक छोड़ देना है और यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे मैंने कोर्स नहीं सेलेक्ट किया, एक्चुअली कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। और कोर्स सेलेक्ट करने का यहाँ पे स्पेशलाइजेशन प्रीफ्रेंस 1 सेलेक्ट कर लेना आपके आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, और यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लेना होगा। आप चाहे तो 3 भी सेलेक्ट कर सकते हो, अपना ब्लैंक छोड़ के डायरेक्टली नेक्स्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब गाइस जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फर्स्ट स्टेप था गाइस वो हो चुका है कोर्स डिटेल्स का। अब आपका जो सेकंड स्टेप आ जाएगा जहाँ पे आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स, प्राइवेट डिटेल्स जो है एंटर करने के लिए, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप देख सकते हैं एप्लीकेंट डिटेल। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका टाइटल होता होगा आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। आपका मिडिल नेम आपको एंटर कर देना होगा। यहाँ पे गाइस आप लोगों को लास्ट नेम एंटर कर देना है। बर्थ डेट आप लोगों को यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लेना होगा गाइस। और बर्थ डेट सेलेक्ट करने के बाद आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ऑलरेडी डाला हुआ है, जेंडर डाल देना, आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी होगी आपकी, जो भी नेशनलिटी है यहाँ पे। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, हॉस्टल रिक्वायरमेंट है या नहीं यस या नो में आंसर देना होगा। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट आपको लगेगी या नहीं यस या नो में आपको सिंपली वो आंसर यहाँ पे दे देना होगा। देन फादर्स डिटेल आपको लगेगी, आपके जो पिताजी का नाम आपको यहाँ पे जो एंटर कर देना होगा गाइस। उनके बाद यहाँ पे फादर्स मोबाइल, ईमेल एड्रेस और डेजिग्नेशन कंपलसरी नहीं है, 3 चाहे तो फिल कर सकते हो ना ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ऑक्यूपेशन कंपलसरी, तो ऑक्यूपेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। मदर्स नेम यानी कि आपको अपने माता जी का नाम एंटर करना होगा। और यहाँ पे बाकी सारे डिटेल्स कंपलसरी नहीं तो मैं ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ। एनुअल इनकम यहाँ पे पूछा गया, तो यहाँ पे मैं एनुअल इनकम यहाँ पे फैमिली का एंटर कर देता हूँ जस्ट फॉर सैम्पल। और फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। अब गाइस जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आप लोगों को जो है फिर थर्ड स्टेप पे लेके जाएगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका 60% फॉर्म गाइस पूरी तरह से जो भर के कंप्लीट हो चुका है, भर के फिल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको कौन सी डिटेल्स पूछेगी, आप देख सकते हैं आपको एड्रेस डिटेल्स बताना है। 62% फॉर्म फिल करके हो चुका है और अभी एड्रेस की जो है डिटेल्स हमें यहाँ पे फिल करनी होगी।
सो गाइस यहाँ पे कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी ऑलरेडी सेलेक्ट है। आपको यहाँ पे हाउस नंबर डाल देना होगा, आपका एड्रेस जो है यहाँ पे आपको कंप्लीट एड्रेस एंटर कर देना। लाइन वन लाइन टू आपको ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे बड़ा एड्रेस है तो आधा हिस्से में, आधा हिस्से में आप एंटर कर सकते हो। देन आपको गाइस यहाँ पे अपना जो पिन कोड है वो पिन कोड एंटर कर देना होगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो येस कर देना, तो दोनों में सेम ही एड्रेस कंसिडर किया जाएगा। अलग है तो नो पे क्लिक करके आप अलग से यहाँ पे एड्रेस एंटर कर सकते हैं। फिर आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा गाइस। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो गाइस आपका एड्रेस डिटेल्स कंप्लीट हो जाएगा, आपसे एजुकेशन डिटेल्स पूछी जाएगी। सो गाइस यहाँ पे भी आप लोगों को आपकी जो कंप्लीट एजुकेशन डिटेल्स आपसे जो जो पूछी जाएगी हर एक वैलिड डिटेल्स आपको प्रोवाइड करानी होगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपसे टेंथ की डिटेल्स पूछा रही, टेंथ के मार्क्स की डिटेल्स के बारे में पूछा जा रहा है, फिर एंट्रेंस टेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपके स्कूल का जो भी नाम था गाइस, स्कूल का नाम आपको यहाँ पे जो एंटर कर देना होगा। आपके बोर्ड सेलेक्ट कर लेना, आपका कौन सा बोर्ड था, CBSE या फिर जो भी बोर्ड है आपका, वो बोर्ड आपको यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेना होगा। ईयर ऑफ पासिंग गाइस आप लोगों को एंटर कर देना होगा यहाँ पे, लाइक ईयर ऑफ पासिंग में 2019 सेलेक्ट कर लेता हूँ। मार्किंग की परसेंटेज था या CGPA था आउट ऑफ कितने में वो सेलेक्ट कर लेना, परसेंटेज था तो कितना परसेंटेज आपने स्कोर किया था। अब गाइस यहाँ पे मार्क्स सब्जेक्ट्स की डिटेल्स पूछी जा रही, तो कौन से सब्जेक्ट में आपके कितने मैक्सिमम मार्क्स में थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सब्जेक्ट वन एंटर कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट टू एंटर कर देता हूँ नेक्स्ट में, थर्ड यहाँ पे सब्जेक्ट थ्री और यहाँ पे जो सब्जेक्ट फोर। तो यहाँ पे कैसे आपके सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, जो भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे मैं मार्क्स 100 कर देता हूँ, मीन्स मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का जो पेपर था और उसमें से मैंने स्कोर किए यहाँ पे सब्जेक्ट वन में 85, सब्जेक्ट टू में 58, थर्ड में 75 एंड फोर्थ सब्जेक्ट में यहाँ पे मैंने 90 कर लीजिए। और यहाँ पे आपकी जो है मार्क्स डिटेल भी फिल करके, अब यहाँ पे आपसे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में पूछा जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, UKSEE आपको दे दिया है, कौन से ईयर में आपने अपियर किया था एग्जाम के लिए, तो यहाँ पे मैं 2020 कर लेता हूँ। रिजल्ट अवेटेड है डिक्लेयर, तो मैं अवेटेड कर देता हूँ कि अभी तक रिजल्ट जो है अनाउंस नहीं हुआ, रिजल्ट आना बाकी है। फिर सिंपली नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। अब गाइस जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो गाइस आप लोगों का जो है डायरेक्टली अभी आप लोगों का जो 90% जो फॉर्म है ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है फिल करके, और अभी आप लोगों को जो है फाइनल यानी कि डिक्लेरेशन के स्टेप पे लेके जाएगा। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कराया जाएगा, उसके बाद सिंपली आपको पेमेंट करना होगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपको, सॉरी यहाँ पे पहले अभी अपलोड हमारा बाकी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको रिसेंट फोटोग्राफ जो होगा आपका वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम जो है रिसेंट फोटोग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ भी जिस भी लोकेशन में आपका फोटोग्राफ रहेगा आपको सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देना। आप देख सकते हैं टेंथ की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड कर लेनी, तो मेरे पास सैंपल मार्कशीट है, मैं वो अपलोड करके आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं नेक्स्ट डोमेसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, तो डोमेसाइल सर्टिफिकेट के लिए भी यहाँ पे मेरे पास जो सैंपल है मैं वही अपलोड कर देता हूँ। आप लोगों को वैलिड ओरिजिनल करना होगा और यहाँ पे आधार कार्ड चाहिए, तो कैसे आधार कार्ड है नहीं मेरे पास, लेकिन मैं आधार कार्ड की जगह पे दूसरा जो नॉर्मल मेरे पास डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करके आप लोगों को बता दिया। आप पूरा अपलोड करने के बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कैसे आप लोगों को अभी डिक्लेरेशन में टिक करना होगा, यानी कि आप लोगों को डिक्लेरेशन जो है एक्सेप्ट करके सिंपली नेक्स्ट पे अगेन जो है क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे गाइस हर एक स्टेप के बाद थोड़ा लोड लिया जाता है, आपको जो है वेट करना होगा, ना ही तो आपको रिफ्रेश करना, ना ही बैक दबाना, आपको कुछ करना नहीं, सिंपली आपको वेट करना होगा जब तक इस तरह से जो स्टेप्स आने जाए। अब गाइस यहाँ पे आपका नाम दे दिया और उसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू करना है कि आप जो डिक्लेरेशन पूरी तरह से फिल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, और उसके बाद गाइस आप नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जो फाइनल स्टेप है एप्लीकेशन प्रोसेस का यानी कि फी पेमेंट वहाँ पे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं 1250 आपका एप्लीकेशन फी है और 100% आपका जो है पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके हो चुका है। आप सिंपली मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। अब गाइस जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे क्लिक करते आप देख सकते हैं आप लोगों को डायरेक्ट पेमेंट गेटवे पे लेके आ जाया जाएगा। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर आप वॉलेट, UPI किसी के भी थ्रू आप डायरेक्टली जो अपना यहाँ पे जो पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, भीम, UPI हो गया, फिर पेटीएम, अमेजोन पे, जिसके भी थ्रू आपको करना है UPI में या नेट बैंकिंग, आसानी से आप अपना एप्लीकेशन फी का जो पेमेंट कर पाएंगे। सो गाइस आई होप कि अभी आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी नहीं होगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। इनकेस कोई भी प्रॉब्लम अगर फेस होता है गाइस तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, वहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू आप हमें बता सकते हैं, हम ज़रूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। उसी के साथ गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।